एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार, सातवीं बार सूबे के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। शपथ लेते ही काम की तैयारी, आज 11 बजे कैबिनेट की पहली बैठक। अब की बार नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम। बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को दी जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा, जनादेश से राज्य में फिर बनी एनडीए की सरकार, मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की नई सरकार को दी बधाई, कहा एनडीए परिवार मिलकर करेगा सूबे का विकास। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र, नए विधायकों का होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर गृह मंत्रालय का एक्शन, स्वास्थ्य कर्मियों के अतिरिक्त तैनाती की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों के 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ को किया जाएगा एयरलिफ्ट। सीआरपीएफ और बीएसएफ से आएंगे 20-20 डॉक्टर। आईटीबीपी के 15 डॉक्टर लाए जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय की खास तैयारी। 40 कंपनियों के करीब 4000 जवान लाए जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 3700 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से गई 99 लोगों की जान, अब तक कुल 7700 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना संकट के दौर में झारखंड सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे पूजा पर लगाई रोक, घरों में व्रत करने की अपील। झारखंड सरकार के प्रतिबंधों का बीजेपी ने किया विरोध, फैसले को बताया हिंदू विरोधी। ओडिशा सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी, नदियों के किनारे भीड़ जमा करने पर महामारी एक्ट के तहत होगी सजा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जारी किए नया निर्देश। पूर्वांचल संगठनों ने कहा, गाइडलाइंस के तहत मनाएंगे छठ का त्यौहार। मालदीव में फरहान अख्तर सन वैकेशनल पर है शिवानी, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। दोनों ही अपने वैकेशन में अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं। इस बीच शिवानी दांडेकर ने अपनी और फरहान की एक बेहद रोमांटिक फोटो शेयर की है। शिवानी ने फरहान के साथ अपनी फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने पूल में नजर आया है। शिवानी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरा हैप्पी प्लेस। भाई दूज के मौके पर आमिर खान की बेटी इरा ने भाई जुनैद को स्पेशल वीडियो शेयर करते हुए विश किया, कहा हैप्पी भाऊजी जुन्नू। इरा ने लिखा, क्या कहा जाए, बहुत कुछ है कहने के लिए, कैसे सही तरह से कहा जाए। हैप्पी भाऊजी जुन्नू, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी यह बताती हूँ या सोचती हूँ कि मेरे भाई जैसा किसी के पास होना कैसे होता है। सोमवार को पूरे देश में भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस दौरान आमिर खान की बेटी रीना ने वीडियो पोस्ट कर अपने भाई जुनैद को किया याद।